मुनावर होता तो ये यहाँ तक पहुँचते भी नहीं है। पोक करा दुनिया भर का खिलाड़ियों को, दूसरा क्या कहते फिक्स है। सो गाइस, क्या एल्विश यादव के लिए ECL फिक्स हो चुका है? एज यू नो, कल एल्विश यादव और मुनावर फारूकी की टीम के बीच ECL के सेमीफाइनल का मैच था, जिसमें एल्विश यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स ने मुनावर फारूकी की टीम मुंबई डिसरप्टर्स को 15 रन से हराया था। सो अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कल मुंबई की टीम से समर्थ जुरैल जिस हिसाब से खेल रहे थे उससे मुंबई डिसरप्टर्स की जीत लगभग तय थी, पर फिर 8th ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बाजी पलट गई। जी हां गाइस, 8th ओवर में बॉलर माही के बैक में क्रैम्प आ गया, जिसकी वजह से हरियाणवी हंटर्स को बीच मैच में अंश को बॉलिंग देनी पड़ी और उन्होंने फर्स्ट बॉल में ही समर्थ जुरैल को आउट कर दिया, जिसके बाद पूरा मैच एल्विश यादव के फेवर में हो गया था एंड वो जीत गए थे। आखिरी मेरे हिसाब से 2 ओवरों में 40 के आसपास रन चाहिए थे, फिर माही भाई ने 3 शॉट मतलब खाए, फिर उनका क्रैम्प आ गया, एकदम से अनस जब आया और अंश ने जब विकेट ली तो वी वर लाइक कि भाई बात बन गई और वी आर इनटू द फाइनल्स भाई, वेल प्लेड भाई, वेल प्लेड, बोथ द टीम्स वेल प्लेड। सो मुनावर फारूकी के फैंस इस बात को लेकर खुश नहीं थे, वो ट्वीट करके कह रहे थे चीटिंग हुई है और मैच फिक्स है। ऑल्सो एक फैन ने क्लियरली एलिगेशन लगाया, आप खुद देखिए। दुनिया भर की तो करी चीटिंग, बॉलर चेंज करा जब लगी, जब तक चोट लगी। अबे फिक्स है भाई, पता क्या कल फिर पब्लिक कैसा आती भाई, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, सिंपल सही है। पोक करा दुनिया भर का खिलाड़ियों को, दूसरा क्या कहते फिक्स है, जैसे कुत्ते भोंकते हैं ना जाके, उनके पापा 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 ये मना। So, इस पे एल्विश यादव के फैंस ने ECL के रूल्स ट्वीट किए और कहा हारने के बाद लोग ऐसा कहते ही हैं। आप देख सकते हैं बॉलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉलर ओवर कंप्लीट करने लायक नहीं होता है तो उसकी जगह कोई और बॉलर ओवर कंप्लीट करेगा जिसे फुल ओवर माना जाएगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो कोई चीटिंग नहीं हुई थी। बाकी गाइज, आपका इस पे क्या ओपिनियन है कॉमेंट करके जरूर से बताना। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ECL, तो आज शाम 8 बजे ECL का फाइनल मैच होने वाला है जिसमें पता चलेगा कि एल्विश यादव एंड अनुराग द्विवेदी की टीम में से कौन इस सीजन का फाइनल जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है कमेंट करके जरूर से बताना। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो एल्विश यादव मैच के पोस्ट इंटरव्यू में बताए कि वो पापा प्रिंटेड जर्सी क्यों पहने थे। ऑल्सो वो मुनावर फारूकी को काइंड ऑफ ट्रोल किए, आप खुद देखिए वो क्या कहे। आपने पीछे वाला पढ़ा है? यार मैं बताता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना अपनी जर्सी पहन के खेल रहा था जिसमें एल्विश और बन लिखा था, तो उसमें ना बैटिंग नहीं हो पा रही थी, तो आज बस में, आज भी यही पहन, बस में मैंने अर्चित को बोला मैंने कि दे भाई ये टी शर्ट उतार अपनी ना और मुझे दे दे, तो बस में हमारा थोड़ा एक्सचेंज हो गया और मुझे लगा कि आज ये लक्की होगा और लक्की था अभी देखो, नो डाउट, तो उसी का था, ऐसा कुछ नहीं कि सबको पापा पापा ये कल इस पे आएगा फूफा। मुनावर को बहुत मिस करा भाई मैंने, मुनावर होता तो ये यहाँ तक पहुँचते भी नहीं और पहले लुढ़क जाते। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।